हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की वर्कशीट 23 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 14 सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों की पहचान करो और उनके नाम से मिलान करो। हमें एक जगह पत्तियां दे रखी है और दूसरी जगह उनके नाम दे रखे हैं। तो पहली जो पत्तियों का चित्र है वो है आम की पत्ती का चित्र, दूसरा नीम की पत्ती का चित्र है तो उस पत्ती को नीम से मिला दो, थर्ड वाली जो पत्तियां हैं वो है केले के पेड़ की तो उसे केले से मिला दो, और नेक्स्ट वाली पीपल की पत्तियां हैं, और सबसे लास्ट वाली जो है वो है बरगद के पेड़ की पत्तियां। जैसे मैंने मिलान कर रखे हैं वैसे ही आप भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तालिका में लिखो। जो भी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है फल, सब्जी, मसाले, छाया, दवाई, कागज़, फूल, लकड़ी और ऑक्सीजन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों के पत्ते किस किस काम आ सकते हैं। तो पेड़ों के पत्ते सजाने के लिए, दवाई के लिए, रंग बनाने में, मसाले के रूप में, खाने के लिए, चटाई बनाने में, पूजा में, पत्तल बनाने में और त्योहारों में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी को पूरा करो। हमें सारणी को इन टेबल को पूरा करना है। रसीले फल लिखने हैं, बिना रसीले फल लिखने हैं, बिना बीज वाले रसीले फल लिखने हैं और बीज वाले रसीले फल लिखने हैं। पहले हम लिखेंगे रसीले फल, अनार, तरबूज, मौसमी, अंगूर, तरबूज, खरबूजा, अनानास, ये सभी रसीले फल होते हैं। नेक्स्ट बिना रसीले फल, बिना रसीले फल हो जाएंगे बेर, सेब, केला, अमरूद और चीकू, जिनमें रस नहीं होता। नेक्स्ट बिना बीज वाले रसीले फल, जिनमें बीज नहीं होता और वो रसीले होते हैं, ऐसे फलों के नाम लिखने हैं। जैसे अनानास, अनानास में बीज नहीं होता। शहतूत, शहतूत में भी बीज नहीं होता। कीवी, कीवी में भी नहीं होता, और ये तीनों ही फल रसीले होते हैं। नेक्स्ट है बीज वाले रसीले फल, जिनमें बीज भी होता है और वो रसीले भी होते हैं। जैसे मौसमी, अंगूर, अनार, तरबूज, संतरा, ये सभी वो फल होते हैं जो बीज वाले होते हैं और साथ में रसीले भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्रों को ध्यान से देखो और जिस वस्तु को बनाने में पेड़ का प्रयोग किया गया है उस पर गोला लगाओ। हमें यहाँ पर बहुत सारी चित्र दे रखे हैं, जिसमें बोतल है, रबड़ है, बस है, कॉपीज है यानी पेज है, बीजना है जिससे हम हवा करते हैं, साथ में पेन है, पेंसिल है और खिलौने हैं। इन सब में से जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है वो है रबड़, पेज यानी कि कागज़, और बीजना जो कि रस्सियों का बना होता है वो, और साथ में पेंसिल। इन सारी चीज़ों में गोला लगा लो क्योंकि ये चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है और क्यों। 5 कारण लिखो और चित्र भी बनाओ। उत्तर हो जाएगा, जो मुझे सबसे अच्छा पेड़ लगता है वो है आम का पेड़। मुझे आम का पेड़ अच्छा लगता है। इसका फल मीठा और रसीला होता है। यह गुठली वाला फल है। इसकी लकड़ी व पत्ते पूजा में काम आते हैं। आम से अचार बनाते हैं और पन्ना भी बनाया जाता है। बच्चों, आपको जो भी पेड़ अच्छा लगता है, चाहे वो नारियल का हो, आम का हो, केले का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। साथ में नीचे उसका चित्र भी बनाना है। देखो, मैंने आम के पेड़ का चित्र बना रखा है। तो बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट 23 क्लास थर्ड की हिंदी की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें।